हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट है, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, या फिर एलएलबी कर रहे हैं, या लॉ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपका बिजनेस लॉ हो या फिर आपका कॉर्पोरेट लॉ हो, उन दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनीज को कई टाइप में डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो जिस तरीके से समझेंगे उसमें मैं आपको एक चार्ट के थ्रू ये चीज़ समझाना चाहूँगी। सबसे पहले कंपनी को जो डिफरेंशिएट हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, थर्ड वन मेंबरशिप में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, उसके बाद आपका कंट्रोल, उसके बाद ऑनर, एंड लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट की बात करते हैं। हमारे इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे अलग से एक लॉ बनाया जाता है और उस लॉ के तहत उस कंपनी को बनाया जाता है, उसका इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर आप दूसरा बोल सकते हैं इसी को इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और वहीं दूसरी तरफ जिसके लिए स्पेशल एक्ट बनते हैं, जिसे स्पेशल एक्ट के तहत बनाया जाता है, उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनीज का एग्जाम्पल देखिए, हमारे एलआईसी जो हमारी इंडिया की जानी मानी कंपनी है, इसको रजिस्टर्ड जो किया गया है वो किसी कंपनीज एक्ट के अंदर ना होके, बल्कि ये कहाँ है, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। एलआईसी का स्पेशल एक्ट बनाने के बाद इस कंपनी को बनाया गया था। कंपनी रजिस्टर्ड कभी भी करवाना चाहे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन जो ये स्टैट्यूटरी कंपनी है ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे जो इंडिया है या हमारा जो देश है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट मिल सके, यानी इसके बनाने का पर्पस लोगों को बेनिफिट पहुंचाना होता है। साथ ही साथ रजिस्टर्ड कंपनी का ऑडिट जो करने की जो अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन वहीं पे अगर स्टैट्यूटरी कंपनी की बात करें तो इसके लिए जो ऑडिट किया जाता है वो होता है अंडर जनरल ऑडिटर, जो हमारे हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की तरफ। कुछ कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। देखिए, अगर आपकी कंपनी की लायबिलिटी यानी आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वाइंड अप के टाइम पे या लॉस हो रहा है या कुछ भी हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंबर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो एक आपका आता है अनलिमिटेड एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड। अनलिमिटेड में आपकी पर्सनल एसेट्स तक सेल की जा सकती हैं अगर कंपनी के पैसे पूरे नहीं हो रहे। बट वहीं अगर लिमिटेड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड वन इज लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड वन इज बोथ। लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब मैंने इस कंपनी में क्या किया, शेयर्स ले रखे हैं जो कि प्राइस है उसका फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपये। मैं 5 रुपये ऑलरेडी कंपनी को दे चुकी हूँ, पेड अप हो चुके हैं, बाकी 5 रुपये मेरे बचते हैं। अब ये अगर कंपनी में कुछ भी लॉस हो रहा है, कंपनी वाइंड अप होने पे आई है, तो कंपनी मुझसे सिर्फ 5 रुपये ही डिमांड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जितना शेयर्स पे मेरा पैसा अभी देना बाकी है, जो लायबिलिटी बची हुई है, सिर्फ वही कंपनी हमसे डिमांड कर सकती है। तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर गारंटी की बात की जाए तो गारंटी के लिए एक लिमिटेड अमाउंट फिक्स किया जाता है कि अगर कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सिर्फ 10 रुपीज़ देंगे, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसको हम कहेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। बट वहीं अगर दोनों केसेस को
जोड़ करके हमने लिखा हुआ है अपने मेमोरेंडम्स में, तो उस केस में क्या होगा, वो बोथ हो जाएगा। अब चलते हैं मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। कई कंपनीज में कुछ कम मेंबर्स होते हैं, किसी में कुछ ज्यादा होते हैं। अब ये कम ज्यादा को क्या बोलेंगे? एक इसमें आपका ऑप्शन आता है ओपीसी, विच इज 1% कंपनी, सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड वन इज प्राइवेट कंपनी। अब यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 1% कंपनी पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1% कंपनी में कंपनी का सारा चार्ज एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है। वहीं अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए, मिनिमम 7 और मैक्सिमम इन्फिनाइट, कितने भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स इसमें आपके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 7 मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। वहीं प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग चाहिए आपको कंपनी की क्रिएशन के लिए। तो ये डिफरेंस ये होता है मेंबर के अकॉर्डिंग आपका कंपनीज के टाइप, ओपीसी, पब्लिक एंड प्राइवेट। नेक्स्ट वन इज बाय कंट्रोल। कंट्रोल, अब देखिए आपकी एक कंपनी है, पर आपने वहीं दूसरे किसी कंपनी में बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स होने चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर आपके पास आ गई है, या ये कह लीजिए कंट्रोल जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो आपके पास आ गया है। फॉर एग्जाम्पल से लेके बात करते हैं, ABC लिमिटेड है जिसने एक XYZ लिमिटेड के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, ये खरीद लिए हैं, और मोस्ट ऑफ द वोटिंग पावर भी इन शेयर्स के साथ इसके पास आ गई है। तो इस केस में क्या हुआ, ABC लिमिटेड के खुद की तो कंपनी है ही है, लेकिन उसका कंट्रोल भी हो गया XYZ के ऊपर, दूसरी किसी कंपनी के ऊपर उसका कंट्रोल आ गया। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, जो कि होल्ड कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, और XYZ इसी के साथ बन गई इसकी सब्सिडरी कंपनी, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी और कंपनी का कंट्रोल हो गया। तो इस केस में कंट्रोल के बेस पे आपकी 2 कंपनीज आती हैं, विच इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ऑनरशिप की बात करें तो वहाँ पे आपकी मेनली 2 तरीके की हो सकती हैं। पहली फॉरेन कंपनी, यानी कि जिसका फॉरेन कंपनी यानी जो बनी तो इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका कुछ काम इंडिया में हो रहा है। कंपनी के मोस्ट ऑफ द डिसीजन बाहर से लिए जा रहे हैं, बट वो काम कहाँ कर रही है, इंडिया में, तो वो हो जाती है हमारी फॉरेन कंपनी। द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि इसके 51% शेयर या तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अगर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, उसके 51% शेयर अगर होल्ड करती है, तो ये कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तभी आप देखेंगे कि जो सिर्फ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट किसी और को शेयर्स ज़्यादा नहीं खरीदने देती और 51% उसमें अपना होल्ड बनाए रखती है, जैसे डिफेंस की से रिलेटेड कोई कंपनी है, या फिर LIC है, या कोई और कंपनीज जिसके 51% गवर्नमेंट नहीं लूज करना चाहती। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर कोई कंपनी नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से कंपनी नहीं बना रही है, तो वो सेक्शन 8 के अंदर उसमें रजिस्टर्ड करवाती है, जो कि होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्लस बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट से आपकी कंपनी बन रही, इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपकी कंपनी बन सकती है। तो ये है हमारे मेनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कंपनीज के टाइप हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड में आपका रजिस्टर्ड या फिर स्टैट्यूटरी, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबरशिप ओपिक, पब्लिक प्राइवेट, कंट्रोल, होल्डिंग सब्सिडरी, ऑनर के हिसाब से फॉरेन एंड गवर्नमेंट, एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको कंपनी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी,
एंड देन अगर हो सके, अगर आपको ये याद रहे, तो ये चार्ट इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। या फिर अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको अलग अलग टाइप से ही लिखिएगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से, एंड देन उसको डिफाइन करते जाइएगा। प्लस अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो फिर नॉर्मली कंपनी की डेफिनेशन और उसके बाद पॉइंट वाइज सारी अलग अलग ही आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।